अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आपने प्लस टू लेवल के ऊपर भी पढ़ा होता है, लेकिन वहां पे आप मोस्टली रट्टा लगाते हैं, वहां पे रोट लर्निंग करते हैं। और हम यहां पे आपको कोशिश करेंगे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, और ये होता क्या है। तो इस जो आपने पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर का नाम आपने पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आजकल हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बोलते हैं। तो मैंने दोनों वर्ड लिखे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये क्यों इसका नाम बदल गया, क्या इसका लॉजिक है, क्या रीजंस थे। साथ में मैंने आपको लिखा AS3 ये क्या चीज होती है और IND AS 7 क्या होता है। ये सबसे पहले हम इस कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, बैकग्राउंड में बात करें। हम सीधे जो है वो ना अटैक नहीं करेंगे कि जी न्यूमेरिकल की तरफ को मूव करके, पहले इसकी बैकग्राउंड, एक आम आदमी इससे क्या समझता है, क्योंकि अब आप थोड़ा बड़े बच्चे बन गए हैं, तो मैच्योरिटी और साथ में जब आप कंपनी में एंटर करेंगे तो वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स है, और बैलेंस शीट बनाएंगे, और साथ में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसलिए मैंने फाइनल अकाउंट्स के साथ सीधा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चला गया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही हम दूसरे चैप्टर्स को तरफ को मूव करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मैंने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, क्योंकि अभी आप जैसे प्लस टू में पढ़ा है तो आपके मुंह से अभी यही निकलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आने में टाइम लगेगा। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप इसका जो है प्रॉपर यूज करेंगे। और फिर AS3 और IND AS 7 क्या चीज होती है। आपने कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सुना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मना करेंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें नहीं पता। देखो बच्चों, जब भी कोई हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग है क्या, ये अकाउंटिंग क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, चाहे C++ है, C++ है, उसी तरह अकाउंटिंग की भी एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम किसी आइटम को डेबिट करते हैं तो उसका कोई मतलब होता है ना, जब किसी आइटम को क्रेडिट करते हैं तो उसका कोई मतलब होता है ना, उसका मीनिंग होता है ना। लेकिन हम उस कन्वे उसी को कर सकते हैं, अगर हमने किसी अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो वही आदमी समझेगा उसको जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज होती है कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ये डेबिट क्रेडिट जो करते हैं हम, ये एक बिजनेस की अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है, ये तो आपको पता है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपको पता है कि 1991 के बाद हम भी किस तरफ को मूव कर गए थे, हम भी ग्लोबल बिजनेस की तरफ को मूव कर गए, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गई और हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड हो गया। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टाइम वर्ल्ड जो है एक छोटी सी फैमिली बन गई है जिसने सारे बैरियर्स को खत्म कर दिया। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको अब आपने जो है वो अकाउंटिंग नॉलेज इंडिया में ली तो आप अगर अमेरिका की कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं तो वहां को आपको दोबारा से अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। ऐसा क्यों नहीं, ये इसलिए है क्योंकि जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है वो सारी जगह एक्सेप्टेबल है। अब आप बोलेंगे सारी जगह, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सेप्टेबल है। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे, मुझे हिंदी आती है, लेकिन अगर मैं अमेरिका चला जाता तो मुझे वहां इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो वहां कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो इसका मतलब आई हैव टू लर्न द इंग्लिश, देन आई कैन मूव टू USA एंड देन कैन डू द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। तो उसी तरह से अकाउंटिंग में भी अगर मैं एक अपनी एक रीजनल लैंग्वेज बनाकर के अपने बिजनेस करूं और फिर मैं अपनी ब्रांच अमेरिका में खोल दूं, तो क्या मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है वो वहां काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, वो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे बैरियर्स खत्म हुए, वैसे वैसे हमारी अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है वो भी ग्लोबलाइज होती गई। अब जब ग्लोबलाइज हो गई तो किसी लैंग्वेज को सेम थिंग, सेम सेंस में अगर हमें अंडरस्टैंड करना है
तो उस लैंग्वेज को हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, और स्टैंडर्डाइज मींस विच इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, यूनिवर्सल जिसको बोल सकते हैं। जो मैं डेबिट कर रहा हूं जिस आइटम को, जिसका जो मैं समझ रहा हूं, वो अमेरिका वाला स्टूडेंट भी वही चीज समझे। तो उसलिए हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो यहां भी हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अब थोड़ा सा नॉलेज आपको हो गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स, अथॉरिटी रखते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं। तो दीज आर अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम क्या है, रिपोर्टिंग करना, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना कि हुआ क्या बिजनेस में। तो इसलिए जो अथॉरिटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अथॉरिटिव स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, एंड आर प्राइमरी सोर्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप पढ़ा है आपने प्लस वन प्लस टू में, ऑल द प्रिंसिपल्स विच आर जनरली एग्रीड एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो सबको एक्सेप्टेबल है। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग में से इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिया, अमेरिका वाले अमेरिका, लेकिन अब क्या हुआ, हर वर्ल्ड लेवल के ऊपर हर कंट्री जो भी गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना रही है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है। अब मान लीजिए कोका कोला जो है अमेरिका की कंपनी है, लेकिन इंडिया में उसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या इंडिया का जो बिजनेस है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और जो अमेरिका की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, क्या वो डिफरेंट है? नहीं। तो इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो इस अकाउंटिंग को, लैंग्वेज को उन्होंने यूनिवर्सल बना रखा है, और उसके पीछे कौन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स दैट डिफाइन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो जो भी हम कंसेप्ट हैं, कन्वेंशंस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, विच वी जनरली टू बी फॉलोड इन इंडिया, दीज आर द सेम लाइन, दीज आर ऑल्सो फॉलोड इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो। दिस इज ओनली टू बी पॉसिबल वेन ऑल द कंट्रीज एट वर्ल्ड लेवल आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आप बोलेंगे ये करती क्या है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि आज हम को क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए हर जगह पे। आज हमें हर्षद मेहता जैसे स्कैम नहीं चाहिए, हमें विंडो ड्रेसिंग नहीं चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हमने करनी है तो सारी कंट्रीज में, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और जो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है वो कौन कर रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके हम वी ट्राई टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सो दैट्स व्हाई द ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर शुड बी हैप्पी विद दैट। अच्छा, ये बनते कैसे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या होता है, ये थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पे देखिए, क्योंकि यहां पे लिखा है AS3, तो मैं ये लिख रहा हूं, AS3 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। फिर मैंने लिख दिया IND AS 7। ये IND AS 7 क्या है, AS क्या है, IAS क्या है, तो मैं इसकी भी थोड़ी सी ब्रीफ आपको बता देता हूं कि अब आप थोड़े बड़े बन गए। देखिए, जब भी कोई भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी लैंग्वेज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए एक कोई एजेंसी तो चाहिए, जो कि एक एजेंसी चाहिए जो उसको मॉनिटर कर सके। तो हमारे पास भी एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बॉडी है, और वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया, इट इश्यूड, अब IAS का मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, न्यू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लो जी, IAS का मतलब है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने
लैंग्वेज को इंटरनेशनल करने के लिए, ग्लोबल करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड बनाए और उसका नाम दे दिया उसको, उसको क्या बोला, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये सारे जो है वो ये कहा गया पूरे वर्ल्ड के ऊपर कहा गया, सारी कंट्रीज को जो इसके मेंबर्स थे उनको ये कहा गया कि लो जी ये हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक लैंग्वेज बना दी, उसके लिए हमने अकाउंटिंग की सब जो है वो अलग अलग ना समझें, उसको एक ही चीज जो है वो सारी कंट्रीज में यूनिवर्सल लेवल के ऊपर उसको अंडरस्टैंड किया जाए, इसके लिए हमने अकाउंटिंग की लैंग्वेज के लिए हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए। ओके, अब हुआ क्या कि वो इंडिया में भी आ गया। अब जब इंडिया में आया तो उसने इसके लिए भी हमारे ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके लिए भी हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए। तो हमारे जो MCA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ओके, अब इन्होंने भी कॉपरेट किया और उन्होंने बोला कि हम भी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज इंडिया में, हाँ बिल्कुल हम इसको भी फॉलो करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे अब आपको पता है कि जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं बनाती स्टैंडर्ड्स, इंडिया में स्टैंडर्ड कौन बनाता है, इंडिया में जो स्टैंडर्ड बनाता है वो बनाता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने वो 1973 से लेकर के 2001 के बीच में बन गए। और उसके बाद आपको पता है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू कहां चले गए, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास चले गए। उनको ये बोला गया कि देखो जी हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर है कि हमें IAS फॉलो करने हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज इट इज जो वो बोल रहे हैं वो हमें इंडिया में फॉलो करने हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी फर्दर इसको नोटिफाई किया कि हम जी अब इसको फॉलो करेंगे। तो वहां पे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हो गई। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर अमेरिका में है वो स्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है, और हम अगर आप कंपेरिजन करें कुछ चीजों में हम डिफर करते हैं, अगर डिफर करते हैं तो हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकते। तो इंडिया क्या फॉलो कर रहा था, इंडिया जो फॉलो स्टैंडर्ड कर रहा था उसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। तो ये पुराने जो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते थे उनको क्या बोलते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमारे पास 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर बीच में काम होते रहे बढ़ते रहे इस तरह से। तो ये पुराना था, ये ऑप्शन नई आ गई कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमारे पास पुराना सिस्टम चल रहा था। तो जब कंपनीज की रिजेंटमेंट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने ये बात जो है दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कई कंट्रीज ने भेज दी कि आपकी हम इन टोटो यानी कि 100% जो आपने बनाया उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। फिर यहां पे मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद उन्होंने फिर एक रिलैक्सेशन दे दी। उन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन ये रही कि जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर 100% फॉलो नहीं कर सकते तो आप उसको कुछ परसेंटेज अपनी डाल करके आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो स्पिरिट है उसको मेंटेन रखते हुए आप अपने भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के से वो बाहर नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कन्वर्जेंस। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें से है जी कि 80% हम 20% आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन 80% आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ कि अभी भी हमारे पास इंडिया में, इंडिया ने क्या किया, पुराना भी छोड़ दिया और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी अलग से कर दिया, और जो कन्वर्जेंस से निकल के आया उसको नाम दे दिया IND-AS। अब AS के साथ क्या लग गया, IND-AS। और जो अब नेशनल, अब ये जो IND-AS स्टैंडर्ड्स हैं, जहां IND-AS नहीं है वहां हम पुराना ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपकी किताबों में कई बार आपको AS मिलेगा, कई बार आपको IND-AS मिलना है, तो इसलिए घबराना नहीं है आपने, ये जहां ये नहीं है वहां पर ये है,
अभी हम पुराने सिस्टम पे, वहां पे हम पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम कन्वर्जेंस करके, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कन्वर्जेंस प्रोसेस बोलते हैं, और जो कि IFRS के अंदर आता है। IFRS का मतलब है इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने IFRS की तरफ को हमें इशारा किया, और जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते थे। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, ICAI के द्वारा कन्वर्जेंस का जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको हम बोलते हैं IFRS, जो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का। और कन्वर्जेंस के बाद हमारे पास क्या आ गए, इंड एएस आ गए। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हमारे पास 2007 में आ गया, और 2007 में हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे उसको हम AS3 के अंदर बनाते हैं, यानी कि जो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अंदर बना रहे थे। अब क्लियर हो गया जी। लेकिन 2007 के बाद जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया थी, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर आया, ऑप्शनल था यहां पे, मर्जी आपकी, फॉलो करना नहीं करना तो मत करिए। लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद सबको ये कंपलसरी कर दिया गया, सारी कंपनीज को, कि अब तो जी आपको कन्वर्जेंस प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ना था, जो आपके पास ऑप्शनल था अब ऑप्शन नहीं चलेगी, आपको ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अब आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हम फिर 1 अप्रैल 2016 के बाद हमारी जितनी भी हमारी कंपनीज हैं वो कंपनीज अब कौन सा फॉलो कर रही है, कन्वर्जेंस IFRS के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसका नाम क्या है, इंड एएस। तो उसी तरह से हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, 2007 में हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते थे क्योंकि वो AS3 के अंदर था, और जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो हमारा 1 अप्रैल 2016 के अंदर जो कन्वर्जेंस का प्रोसेस आया जिसमें हमने भी जो फॉलो किया उसको बोलते हैं हम इंड एएस। तो तब से उसका नाम क्या पड़ गया जी, अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उन्होंने नाम बदल दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसका नाम किसके अंदर आया, इंड एएस के अंदर आया। तो अब क्या है बच्चों कि जब 1 अप्रैल 2016 के बाद आ गया तो हमने नेचुरली जब इंडिया से ले रहे हैं तो कुछ पोर्शन कहां से लिया जाएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और कुछ हमारा पुराना था, और दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, इंड एएस बना दिया। और जो इंड एएस बनाया उसका नाम हमारे पास अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका नाम अब क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो किसके अंडर बनेगी, इंड एएस 7 के अंडर बनेगी। तो इस तरह से क्या है कि पुराना क्या था जी, AS7 बता रहा हूं मैं आपको, और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो IASB ने बनाया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किसके लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, उसका नाम था IAS 7, और हमारा पुराना क्या था, AS3, और आज हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कन्वर्जेंस, इंड एएस। तो लकीली क्या हुआ, इंडिया में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर था 7, वही इंडिया में भी उसका नंबर भी क्या आ गया, 7 आ गया। जब 7 आ गया, लेकिन इन दोनों का ना तो हम ये फॉलो कर रहे हैं ना ये फॉलो, इसके पीछे मैंने लॉजिक बता दिया, हमने कहा प्योर हम ये नहीं कर सकते, और यहां मैंडेटरी होगा, कंपनी को बोला कि आप ये फॉलो नहीं कर सकते, तो नेचुरली फिर हमें कहां जाना पड़ा, कन्वर्जेंस में जाना पड़ा IFRS के अंदर। और उसके बाद आज हम जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो है इंड एएस 7। तो मुझे लगता है कि अब लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि मेरा AS3 मैंने क्यों लिखा था, AS7 मैंने क्यों लिखा था। अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो आपने +2 लेवल के ऊपर भी पढ़ा होगा, वो पढ़ा आपने AS3 के अंदर, और ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हमें पढ़ने की जरूरत है इंड एएस 7 की पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, अब नेचुरली अब हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंस किसके बीच में मुझे करना है, मुझे करना है AS3 और इंड एएस 7 के बीच। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर हम ये ले आए। अच्छा, अब जिसने ये पढ़ा हुआ है, मैं अगर मोटे तौर पे कहूं तो 99% जो है
जो AIS 3 में है वही IND AS 7 में है, लेकिन सिर्फ आपको जो चेंज हुई है वो कितनी हुई है, 1% के करीब चेंज हुई है। तो अब जो चेंजेस हुई हैं वो मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूं, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बताता रहूंगा। पहला तो डिफरेंस आ गया टाइटल का। तो क्या था AS 3 में, इसका टाइटल क्या था जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट था, और जो IND AS 7 के अंडर आया वो क्या आ गया जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। लो जी एक चेंज तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अच्छा यहां पे जो कैश इक्वलेंट है अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। बस जो AS 3 में आइटम्स होती थी उसमें एक आइटम प्लस कर दी गई है और कैश इक्वलेंट का डेफिनेशन बता, तो मैं जहां रेफरेंस दूंगा मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा अब क्या हुआ कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड्स हैं वो दो मेथड हैं, एक मेथड जो है वो डायरेक्ट होता है और एक मेथड जो है वो इनडायरेक्ट होता है, जो आपने भी पढ़ा होगा। अभी मैं उसका रेफरेंस नहीं दे रहा हूं आपको, मेथड के बारे में मैं बिल्कुल लॉजिक क्लियर करूंगा आपका, एक एक चीज क्लियर करूंगा, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अब आपने क्या किया कि पहले भी आप क्या करते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, दो मेथड होते थे, एक डायरेक्ट मेथड होता था एक इनडायरेक्ट मेथड होता था। ओके अच्छा अब मैंने जैसे कहा कि जब दो मेथड होते थे तो AS 3 क्या करता था, मेन कहता था, क्योंकि आपको भी ज्यादातर किस कौन सा मेथड पढ़ाया होगा, इनडायरेक्ट मेथड प्लस टू लेवल के। ये क्यों पढ़ाया जाता था, क्योंकि AS 3 बोलता था कि जो मेन फोकस है वो आपका, वो AS 3 बोलता था कि आपने जो भी मेथड फॉलो करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए वो आपने इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करना है। इसलिए ज्यादातर लोग जो थे वो परवाह नहीं मारते थे, वो कहते थे कि भाई AS 3 जो है बोलता है इनडायरेक्ट मेथड, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से ही आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अब क्या हुआ कि वॉल्यूम ज्यादा होना शुरू हो गया, लार्ज होना शुरू हो गया, और जो IND AS 7 है वो भी दोनों मेथड फॉलो करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन वो स्ट्रेस किसके ऊपर ज्यादा देता है, वो स्ट्रेस देता है कि जी कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर बनना चाहिए, डायरेक्ट पे बनना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा अगर हम ये डायरेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस, AS 7 का फोकस किसके ऊपर था, इनडायरेक्ट, वैसे ही अब जो फोकस है वो किसके ऊपर आ गया जी, डायरेक्ट के ऊपर फोकस आ गया, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। लेकिन जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपको पता है कि हमें सेबी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है। जो सेबी अब ये बोलता है कि AS 7 डायरेक्ट मेथड क्यों करना चाहिए, वो कहता है कि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशंस है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा, इसलिए आप AS 7 को फॉलो करिएगा। अच्छा लेकिन जैसे वॉल्यूम और लार्ज की बात करी थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो कहता है कि कौन सा बनाना चाहिए, वो कहता है जी आपको कि बनाइए आप इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से आप जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। तो यहां क्या हो गया जी, झगड़ा हो गया, दोनों मेथड के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर सेबी और हमारा कंपनी लॉ या इनके बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो हमें किसकी बात माननी पड़ती है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें किसकी माननी पड़ती है, सेबी की माननी पड़ती है। अगर हम सेबी की माने और AS 7 की माने तो AS 7 बोलता है डायरेक्ट, सेबी बोलती है इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब यहां से अब स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम दोनों मेथड से पढ़ेंगे, डायरेक्ट से भी पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट मेथड से भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो दोनों मेथड से हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम दोनों को बता देंगे कि ये लो जी, ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो ये इसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो ये लीजिए जी इनडायरेक्ट मेथड। क्योंकि अब हमें आपको कंपनी के लायक बनाना है, कंपनी में काम करने के लायक बनाना है, तो वहां आपको सेबी, तो वहां आपको ये ना बोले कोई आपको, आपने इनडायरेक्ट पढ़ा है, डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, तो वो चीज हमारी यहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोकस सबका जो है वो अलग अलग से है। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अब जो मैं पढ़ाने की जो बात करूंगा, जो हमारा स्ट्रेटजी होगा, हम ये करेंगे जैसे हमने कहा कि जी इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 99% और ये इसके बीच में कितना है, 1% डिफरेंस है, कोई बात नहीं।
तो क्यों ना हम जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे या जो भी होगा तो क्यों ना हम AS3 से करें। पहले हम AS3 से कर लेंगे कि AS3 में है क्या, और साथ में आपको चेंजेस भी बताता रहूंगा कि 1% चेंजेस कहां हुई। जैसे मैंने कुछ एक चेंजेस आपको बताई है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता चलेगी, और वो चेंजेस क्या है वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा, और ऑटोमेटिकली हम कहां पहुंच जाएंगे, India 7 के तरफ पहुंच जाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना हो तो उसकी हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए कि हम आए कहां से हैं, और तब हम अब आज हम कौन सी पोजीशन पे आए हैं, तो हमारा जो पास्ट है वो क्या है। तो इसलिए हम मैं ये चाहता हूं कि मैं पास्ट से आपको बताऊं, और फिर उसके बाद जो डिफरेंसेस है, जो थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बताऊं, और फिर आपको India 7, और फिर उसके बाद आपको बताऊं कि भाई ये लो जी अब India 7 के अकॉर्डिंगली हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को कैसे बनाना है। सो व्हाई कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, तो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दीज डिफरेंसेस, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, हमें कैश फ्लो बनाने की जरूरत क्यों है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो फिर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाने की जरूरत है। देखिए, दो टर्म्स हैं मेरे पास, एक टर्म है प्रॉफिट और दूसरी टर्म है मेरे पास लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी एक तरह से समझ लीजिए कि आप कैश की बात मैं कर रहा हूं आपसे, बस इसी की डिस्कशन, ये डिस्कशन हम करेंगे और शायद आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपके पास दो स्टेटमेंट्स ले रहा हूं, एक स्टेटमेंट नंबर 1, फर्म इनकरिंग लॉसेस। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो वहां पे मिला कि फर्म इनकरिंग लॉसेस, ओके, प्रॉफिट और लॉस की बात है, हैविंग लिक्विड रिसोर्सेस टू मीट ऑब्लिगेशन। देखिए, अब लिक्विड वर्ड यहां आ गया, प्रॉफिट और लॉस यहां पे आ गया। वैसे तो फर्म को लॉस हो रहा है, लेकिन उसके पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को इजीली मीट आउट कर रहा है, उसके लिए उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अच्छे से एक बार नहीं दो बार पढ़ लीजिएगा, हैव लिक्विड रिसोर्सेज टू मीट ऑब्लिगेशन विदाउट एनी डिफिकल्टी। आप हैरान हो कि जी लॉस है, और फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में, दिस इज योर सेकेंड स्टेटमेंट, फर्म अर्निंग प्रॉफिट, फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है लेकिन स्ट्रगलिंग टू मीट ऑब्लिगेशंस। अब प्रॉफिट तो है, लेकिन अगर उसको बोला जाए भाई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो, आपके पास कैश है तो दे दीजिएगा, या जो सप्लायर है उनके बिल मीट आउट कर दो, जिन्होंने आपको उधार में माल बेचा हुआ है उनको आप जरा पैसा दे दीजिएगा, बट आपका आंसर नो होगा। इट मीन्स दैट इज स्ट्रगलिंग टू मीट ऑब्लिगेशन। तो दो मैंने कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट आपके पास दी, फर्म को लॉस हो रहा है लेकिन इजिली अब आपको ऑब्लिगेशन क्लियर हो गया होगा, इजिली जो है बिना डिफिकल्टी के अपनी ऑब्लिगेशन को आराम से मीट आउट कर रही है। एक फर्म ऐसी है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है लेकिन अपनी ऑब्लिगेशन को मीट आउट नहीं कर रही है। और अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि जो प्रॉफिट फर्म्स प्रॉफिट अर्न करती हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस को इजीली मीट आउट कर लेती हैं। चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये इस कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, और हमारा जो कंपनी लॉ है 2013 उसने इसको इसके साथ कैसे जोड़ दिया गया फाइनल अकाउंट के साथ। तो मैं बोल रहा हूं द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट टेल्स यू द रियल हेल्थ ऑफ द फर्म। हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या है, जो मैं आपसे बता रहा, एक्चुअल कैश लेफ्ट इन योर हैंड आफ्टर ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स। जो पैसा आपने रिसीव किया, जो आपने पेमेंट्स कर दी, उसके बाद आपके पास जो हार्ड कैश बचा है उसी से आपकी फर्म की हेल्थ, हेल्थ का हमें पता चलता है कि अब कंपनी जो है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को कि मैं जी एक्सपेंशन करूं या ना करूं। ठीक है, अगर एक्सपेंशन करनी है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फाइनेंस कहां से अवेलेबल है, ये सारी बातें जो हैं, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बताता, वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने की कोशिश करता है।
चलते हैं समझते हैं इसको। यहां तक क्लियर हो गया हेल्थ, जो हेल्थ वो नहीं बता रहा था। अब आपके पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कौन बता रहा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और लिक्विडिटी की बात, जो हार्ड कैश की बात है, वो कौन बताएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मुझे हेल्थ चेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कैश देखने की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो हम कौन बताता है आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इनकम स्टेटमेंट बोल लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, जो आप जहां आप कंफर्टेबल। वो सिर्फ आपको क्या दिखाता है? पेपर प्रॉफिट बताता है, कागजों में क्या है, एक्चुअल में क्या है वो नहीं बताता। चलिए इसको हम एक केस स्टडी की हेल्प से कोशिश करते हैं स्टडी करने की। मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, और जो रेवेन्यू जनरेट किया वो सारा जो है वो सब कुछ किसके ऊपर बेचा हुआ है? उधार बेचा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, जो रेवेन्यू जनरेट किया यानी कि जो पैसा आपने अर्न किया वो सारा आपने उधार बेच करके किया, और आपने की कागजों ने ये बता दिया, क्योंकि सेल्स को आप थोड़ी बोलते कि कैश सेल और क्रेडिट सेल। और आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस योर नेट प्रॉफिट कम्स टू ₹4,000। लो जी, 10,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जनरेट करने के बाद आपने जो उसके एक्सपेंसेस थे वो लेस कर दिए, और आपके स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने जो नेट प्रॉफिट है वो 4,000 रुपए दिखा दिया, ठीक है जी। कल को क्या हुआ? कल क्या हुआ कि एक आपका सप्लायर आ रहा है, नहीं लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर कर लूं, जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो आई थिंक आपके मुंह के ऊपर स्माइल आ गई, स्माइली फेस, कि यू आर हैप्पी दैट योर बिजनेस इज रनिंग वेरी गुड। ये लो जी, इस स्टेटमेंट से आपको क्या लग रहा है? बहुत खुश हैं आप, वाह वाह मेरी बिजनेस जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? कल आपके पास एक आपका सप्लायर आ रहा है, क्रेडिटर है, जिसने आपको गुड्स उधार बेची हुई है, आप उससे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं। वो कहता है डिमांड हिज मनी फ्रॉम यू, वो कहता है कि कुछ पैसा जो है मुझे दे दीजिएगा, जो आपको मैंने उधार बेचा था, और उधार जो बेचा है उसमें से आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिएगा, आपसे मांग रहा है वो। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप उसको जो आपसे कैश एक डिमांड कर रहे हैं, क्या आप उसको पे कर देंगे? विल बी एबल टू पे? तो आप कहां गए? आप अकाउंटिंग ब्रांच में गए, और अकाउंटिंग ब्रांच में बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग ब्रांच में गया, और उसने ये है, और वो सप्लायर आ रहा है आपके पास, सप्लायर आ रहा है कहता जी मेरा पैसा दो। तो क्या हुआ? तो आपने क्या कहा? जब अकाउंटिंग देखी तो उसमें क्या था? देर इज ए फ्लो। उसने कहा कि देर इज ए फ्लो सर, बट इट इज जस्ट नॉट कैश। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने सारा किस पे बेचा है? उधार बेचा है, कैश तो नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर है कि वन ऑफ योर सप्लायर क्रेडिटर्स डिमांड हिज मनी फ्रॉम यू, विल यू बी एबल टू पे? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। अब आपका आंसर क्यों होगा? ऐसा आपका जो आंसर है वो नो क्यों होगा? तो देखिए, आप मेरे पास कितने टर्म्स आए, एक टर्म आई रेवेन्यू, दूसरा मेरा आ गया क्रेडिट, और तीसरा मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट। तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, और ये सारा किसके ऊपर है? पेपर्स में है। तो तीन टर्म्स मेरे पास इंपॉर्टेंट आ गए। तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? बिकॉज द प्रॉफिट यू मेड इज ऑफ ₹4,000 इज जस्ट ऑन पेपर्स एंड यू हैवंट येट रिसीव्ड द कैश, क्योंकि आपने तो सारा 10,000 रुपए का उधार बेचा हुआ है, और जो डेटर्स हैं वो आपका पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, और क्रेडिटर आपके पास आ जाता है, और क्या हुआ? तो ये जो फ्लो हुआ, तो इसलिए क्या कहा बोला उसने, फ्लो है सर लेकिन ये कैश नहीं है। बात क्लियर होगी? तो इसलिए मेरे पास क्या आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द बैलेंस शीट अलोन इज नॉट सफिशियंट टू डिटरमाइन द रियल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब उसकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, उसके पास हार्ड कैश नहीं है। तभी तो मैंने क्या कहा, अब देखिए यहां फर्म के पास 10,000 रुपए का प्रॉफिट है लेकिन स्ट्रगलिंग टू मीट आउट इट्स एब्लिगेशन। एक सप्लायर आ रहा है, वो कहता है आप मेरा पेमेंट करो, आर यू इन ए पोजिशन टू मीट आउट? नो। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है
तो आपकी हेल्थ जो है, कंपनी की हेल्थ जो है अच्छी है, तो इसलिए हेल्थ को चेक करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जस्ट टू डिटरमाइन द रियल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या अराइज होता है या हाउ इट वर्क्स। लेकिन अब देखिए, अब मैं आपके एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो यही सिचुएशन मान लीजिए कि आपने जो है वो सेल्स करी 90 करोड़ की, ठीक है जी, उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए 40 करोड़ के। आप क्या बोल रहे हैं कि जी दिस इज माय प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़ रुपीस, ठीक है, आप खुश होगे और आप कहते हैं वाह वाह कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। लेकिन उसमें से क्या है, ये जो 50 करोड़ रुपए हैं ये सारे के सारे जो हैं ये मार्केट में फंसे हुए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ये सब मार्केट में फंसा हुआ पैसा है। अगर मार्केट में फंसा हुआ पैसा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बता रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो हेल्थ है वो ज्यादा बेटर नहीं है, पता नहीं इसमें से कितना पैसा आएगा कितना पैसा नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमें कैश है वो ऑपरेशन से हमें मुझे कितना कैश मिल रहा है, तो ये तो सिर्फ एसपीएल बना रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, लेकिन बिजनेस वही बेटर है जो ऑपरेशन से बिजनेस जो कैश इकट्ठा करता है। देखिए अब मैं एक और आपसे बात करता हूं, आप क्या करना चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जब एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो आपके पास मान लीजिए कि कैश है 45 करोड़ का और आपको एक्सपेंशन की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन की जरूरत क्या है 80 करोड़ की है, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, फाइनेंस कितना करूं मैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कितनी होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं शेयर इशू करूं, बॉन्ड इशू करूं, उधार लूं, लोन लूं, क्या करूं, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी कैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो कैश फ्लो है ये मुझे दो साल का जब बताते हैं तो हमें बताता है कि पीछे क्या पोजीशन थी अब क्या पोजीशन। तो ये जो छोटे छोटे डिसीशंस हैं या मेजर डिसीशंस जो हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अकेले से नहीं ले सकते, हमें उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारा फाइनल अकाउंट्स बनते हैं सेक्शन 129 में कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी क्या बना दिया है, एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट बना दिया। अब मुझे लगता है कि आपको अब ये पोजीशन क्लियर हो गई होगी कि व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश फ्लो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है, बनाते कैसे हैं हम इसको, और ये काम कैसे कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट सफिशियंट टू गिव द रियल पोजीशन ऑफ द फर्म, रियल हेल्थ ऑफ द फर्म। तो अब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हेल्थ क्या चीज है, और अब आपके चेहरे की जो स्माइल है वो गायब हो गई होगी जब सप्लायर आपके पास आया होगा और सप्लायर जब आपसे कैश मांग रहा होगा।